मुंगेर यूनिवर्सिटी वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। यह न्यूज पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड तीनों सेशन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों का एग्जाम जो हमारे बेस पर होगा या नहीं, कंफर्म आप लोगों को बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पार्ट वन और पार्ट टू वालों के लिए यह न्यूज है, देख लीजिए। आज ही जारी किया गया है, आज है 1/5/2022, 1 मई 2022 है। स्नातक पार्ट वन सत्र 2020 से 2023 एवं स्नातक पार्ट टू सत्र 2019 से 2022 की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव OMR पर होगी। देख लीजिए, यहाँ साफ साफ लिखा गया है। ये मुंगेर यूनिवर्सिटी के साथ द्वारा दिया गया, यहाँ पर सिग्नेचर भी किया गया परीक्षा नियंत्रक रामाशीष पूर्वे के द्वारा। और फिर इसके लिए बैठक भी होगी और इसके लिए आवश्यक गाइडलाइन दी जाएगी। जो बैठक होगी 5 मई को होगी और 11 बजे इसकी बैठक होगी। इसे अति आवश्यक समझे। तो आप लोगों का एग्जाम जो है कन्फर्म हो गया कि ऑब्जेक्टिव बेस पर एग्जाम होगा। तो ये पार्ट वन और पार्ट टू वालों के लिए था। और फिर पार्ट थर्ड वालों के लिए देख लीजिए, ये नोटिस आज ही जारी किया गया है। आज है 1 मई 2022। स्नातक पार्ट थ्री कला प्रतिष्ठा सत्र 2018 से 2021 के रिजल्ट में यदि कोई त्रुटि हुई है तो छात्र इनके निवेदन हेतु संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को आवेदन देंगे। एवं सभी प्राचार्यों से निवेदन है कि दिनांक 10/5/2022 तक अपने स्तर से छात्रों से प्राप्त आवेदन परीक्षा विभाग को भेजें ताकि यथाशीघ्र इसका निदान हो सके। ये दो न्यूज आप लोगों के बतानी थी और आप लोग जाके पहले लिए जाके चेक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड की एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, आप लोग जाके चेक करें। अब जल्द ही आप लोगों के लिए पर डे कोशिश की जाएगी 5 वीडियो अपलोड करने का ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके। यह जानकारी आप लोगों के देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।